हाय गाइस, कैसे आप लोग। मैं अरविंद सर आपके अपने YouTube चैनल पर काफी स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सेल में दो लेक्चर पढ़ा, तो आज इस सेल का लेक्चर भी होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सेल क्या है, सेल की खोज किसने किया, सबसे बड़ा सेल क्या है, सबसे छोटा सेल क्या है। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में, जिसको वैज्ञानिक ने दिया था 1800-1842 में। और फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोष का तथा यूकेरियोटिक कोष का। तो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोष के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक कोष का यानी कि प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोटिक, जहां प्रो मींस होता प्रिमिटिव और कैरियोटिक कैरियोट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोष का वे कोष का होते हैं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। आज इस लेक्चर 3 में हम लोग यूकेरियोटिक कोष के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यूकेरियोटिक कोष का क्या है। जैसे कि आप जानते हैं यूकेरियोटिक सेल यानी किसको कहते हैं, बहुकोशिकीय या बहुकोशिका। अब यू कैरियोटिक शब्द तीन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यूकेरियोटिक सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्लांट सेल और दूसरा आपका होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल को हिंदी में पादप कोशिका कहते हैं, और जबकि वहीं एनिमल सेल को जंतु कोशिका कहते हैं। आइए अब इन दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्लांट सेल किसे कहते हैं, यानी कि वे कोशिकाएं जो पेड़ पौधे में पाई जाती हो उन्हें प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका कहते हैं, और वे कोशिकाएं जो जीव जंतु में पाई जाए उन्हें हम लोग एनिमल सेल यानी कि कोशिका कहते हैं। पहले तो पादप में होता पौधा, तो जो कोशिकाएं पेड़ पौधे में पाई जाएगी उन्हें पादप सेल कहेंगे, और जो कोशिका जीव जंतु में पाई जाएगी उन्हें हम एनिमल सेल कहेंगे। आइए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहले बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्या मैं जो फिगर बनाया हूं, समय ज्यादा ना लगे, समय को ध्यान में रखते हुए, समय को बचाते हुए मैंने फिगर पहले से ही बना दिया है। यहां दो प्रकार के फिगर आपको दिख रहे हैं, जिसमें से एक पार्ट सेल का और दूसरा एनिमल सेल का है। तो इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं और देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप पहला फिगर देख पा रहे हैं कि ये फिगर आपका जो है प्लांट सेल का है, प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में सबसे ऊपर जो आपका पाया जाता है और कोशिका भी तरह की सेलवाल पाया जाता है, उसके नीचे का जो परत होता है उसको लोग सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर आप यहां देख पा रहे होंगे कि आपका ये जो आकृति है, ये गाल्गी बॉडी है यानी कि इसको हिंदी में गाल्गी काय कहते हैं। फिर ये आपका केंद्रक है, और केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक में आपका क्रोमेटिन धागे पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे नमूना संरचना होता है। और आप यहां देख पा रहे होंगे कि एक संरचना यहां पे बनी है जिसको माइटोकांड्रिया कहते हैं, और वास्तव में माइटोकांड्रिया क्या है, तो माइटोकांड्रिया को ही ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इसको हम लोग आगे वाली वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि माइटोकांड्रिया क्या होता है। वैसे माइटोकांड्रिया की खोज हो गया था और बेंडर नाम वैज्ञानिक ने किया था। तो माइटोकांड्रिया क्या, माइटोकांड्रिया वास्तव में ऊर्जा घर है या पावर, ऊर्जा का पावर हाउस है। फिर आप यहां देख पा रहे हैं राइबोसोम है, राइबोसोम यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं, और ये 80S का होता है। हमने प्रोकैरियोटिक कोष में पढ़ा था तो उसमें जो राइबोसोम पाया जा रहा था वह 70S का था, लेकिन इसमें जो राइबोसोम पाया जाएगा वह 80S का पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यह बेल वेलप है यानी कि पूर्ण विकसित है। तो मैंने आपको उसमें लास्ट
मैं बता रहा था कि बताइए हमारे और आप में कितने यस का राइबोसोम पाया जाता है, तो हम मनुष्यों में या पादपों में जो राइबोसोम पाया जाता है यस का पाया जाता है, यस से होता है स्वैड वर्ग यूनिक होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में 80 यस का राइबोसोम पाया जाता है। फिर आप यहाँ एक संगठन देखेंगे दूसरे क्या क्या का यहाँ का रिक्त का है रिक्त का इनकी वही कोर कहते हैं इसको इंग्लिश में। फिर आप यहाँ देखते हैं प्लास्टिड है, प्लास्टिड को हिंदी में लॉग कहते हैं, और ऐसे क्या आप जानते हैं कि लॉग तीन प्रकार का होता है। फिर सबसे नीचे संगठन आपको कुछ ये छोटी सी दिखाई देती होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं लॉग कहते हैं, और ये लॉग वास्तव में क्या है, वास्तव में जो लॉग होता है यानी आपका हरित लॉग होता है या कह सकते हैं अपने भोजन को स्वयं बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे क्या होता है पेड़ को अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। प्लांट सेल था, आइए अब एनिमल सेल के बारे में जानते हैं। इसका प्रतिकर मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, क्योंकि समय ज्यादा बर्बाद ना हो इसलिए मैंने फिगर पहले से ही बना दिया है। इसको समझते हैं, देखिए ये आपका प्लांट सेल है, सॉरी एनिमल सेल है, ये आपका एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में क्या होता है, सबसे बाहरी जो परत होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी जो इसमें सबसे बाहरी जो परत होती है उसको क्या कहते थे, तो उसको सेल वाले जंतु कोशिका भित्ति कहते थे। लेकिन ये एनिमल सेल में क्या होता है, सबसे पहले आपका सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका भित्ति होता है। फिर देखिए यहाँ संगठन गाजीवाड़ी इसमें भी थी और गाजीवाड़ी इसमें भी है, केंद्रक इसमें भी होता है, और केंद्रक में क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, कह सकते हैं केंद्रक क्रोमेटिन धागों से मिलकर ही बना होता है। माइटोकांड्रिया यहाँ भी है, इस बात इसमें भी राइबोसोम जो होता है 80 यस का होता है। एक इसमें अतिरिक्त प्रकार एक इसमें अतिरिक्त चीज पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोसोम, जबकि लाइसोसोम क्या होता है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। फिर एक यहाँ केंद्र के ऊपर देखते हैं एक संगठन यहाँ है जिसको हम क्या कहते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं, और सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं तारक कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा टॉपिक है उसमें मैंने क्या किया थोड़ा शॉर्ट में करना चला है, ठीक। तो आइए अब आप लोगों ने देखा ये आपका प्लांट सेल और ये आपका एनिमल सेल है, आइए देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका लेक्चर क्यों होगा, अब एक तरफ आप देखने लगेगा प्लांट सेल और दूसरी तरफ आप देखने लगेगा एनिमल सेल। अब इन दोनों में अंतर क्या है वैसे तो आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन हम यहां डिटेल जानना चाहेंगे थोड़ा सा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। तो प्लांट सेल में जैसे क्या देख रहे हैं, इसमें सबसे बाहरी जो आवरण है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम सेल वॉल है, जबकि इसमें सबसे बाहरी जो होता है उसका नाम क्या है सेल मेम्ब्रेन है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पहला अंतर जो होगा प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, जबकि वहीं एनिमल सेल में क्या होता है यानी कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें भी अंतर द्रव्य जालिका पाई जाती है, और इसमें भी क्या होता है आपका अंतर द्रव्य जालिका, ये आपका है अंतर द्रव्य जालिका, जिसको शॉर्ट में पाया जाता है तीसरा अंतर क्या होता है, तीसरा अंतर देखा आप इसमें इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जो किसी क्लोरोप्लास्ट प्लांट से में पाया जाता है क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि
एनिवर्सल में क्या होता है प्लांट यानी कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इतना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो तीसरा अंतर हो गया कि इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जबकि एनिवर्सल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर क्या है, याद रखें कि इसमें केंद्र के ऊपर सेंट्रोसोम पाया जा रहा है जबकि प्लांट में क्या होता है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में क्या होता है आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है। इस प्रकार तमाम अंतर होता है। आप देख सकते हैं इसमें लाइसोसोम होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। पांचवा अंतर क्या हो गया कि प्लांट में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में क्या होता है लाइसोसोम पाया जाता है। ये अंतर आपके हो गए। तो एक बार आपको जल्दी से रिवीजन कर दूं, या आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके वेरिएबल पुस्तक के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इन वेरिएबल पुस्तक की पाई जाती है तो मुख्य रूप से तीन चीजों को छोड़कर जितने भी समस्त जीव है या पादप उनमें क्या होता है आपका जो पेरियोडिक पुष्का पाया जाता है यानी कि हम कह लें तो पीपीएलओ बैक्टीरिया और ब्लूप्रिंट एनी को छोड़ दें तो समस्त पादप में या समस्त जीवों में क्या होता है पेरियोडिक पुष्का पाया जाता है। प्लांट सेल सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर आपका सेल वॉल होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं पुष्का भित्ति कहते हैं। इसके बाद इसके केंद्र होता है और केंद्र में क्या पाया जाता है, इस केंद्र में आपका क्रोमेटिन धागे पाया जाता है। फिर इसके बाद केंद्र के सबसे आपको कुछ यूनिक आकृति दिखाई देती होगी, इसको क्या कहते हैं अंतर्द्रव्यधारिका कहते हैं यानी कि सारे इसको आदि कहते हैं। फिर इसके बाद सेल वॉल के नीचे एक और परत पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहां है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या होता है तो वास्तव में ऊर्जा का पावर घर होता है। यहां एक राइबोसोम होता है, राइबोसोम इसमें होता है सेल्स का होता है क्योंकि ये पूर्ण विकसित है, पूर्ण विकसित होने के कारण इसमें राइबोसोम क्या होता है सेल्स का होता है। फिर प्लांट में आपका ओवरग्रोथ पाया जाता है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसमें को हिंदी में कहते हैं रित्तिका कहते हैं। तो इसमें प्लास्टिक पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाया जाने के कारण क्या होता है अपने भोजन को स्वयं बना सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं पौधों का पूरी लकड़ी कहते हैं। जब भी हम देख रहे हैं एनिमल सेल एनिमल सेल में क्या होता है सबसे फर्स्ट जो लेयर होता है तो सेल मेम्ब्रेन में कोशिका झिल्ली भी होती है। इसके बाद सेंट्रोसोम यहाँ पाया जाता है जबकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और यहाँ केंद्र में भी क्या होता है क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं इसके केंद्र में भी क्रोमेटिन धागे नुमा संरचना पाई जाती है। अंतर्द्रव्यधारिका में पाई जाती है, अंतर्द्रव्यधारिका में भी पाई जाती है, क्वाजी बॉडी इसमें भी पाया जाता है, क्वाजी बॉडी इसमें भी पाया जाता है। आप कमेंट जरूर करें, आप कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।